पागल हो गया। लोग ऐसे लोग ज्यादा खुश होते हैं जिन्हें पढ़ना नहीं होता है, उन्हें पढ़ाई से थोड़ा सा छुटकारा। हाँ बेचारा कोचिंग से आया, इसकी वजह से ही थोड़ा लेट होगा निकलने में। चलते हैं, मिलते हैं वहाँ पे जाके। तो ये देखो टाइम, एक सेकेंड, ये देखो ये टाइम हो रहा है, ये देखो अभी 12:31 हो चुके हैं। और अभी रास्ता, अभी देखो हम ट्रकों के बिल्कुल बीच में हैं। इधर भी सारे ट्रक ही ट्रक, इधर भी सारे ट्रक ही ट्रक, इधर बीच में एक ट्रक और हमारी गाड़ी। फिर ये देखो मम्मा पीछे बैठी है, पापा सो रहे हैं, दीदी पीछे है सबसे, और अभी क्या कहते हैं ड्राइवर अंकल भी हैं। तो अभी जाते हैं, और रात भर गाड़ी रुकेगी नहीं, अभी 12 बजे हैं, पूरे रात है, 2, 3, 4, 5, 6, 6:30 बजे हम पहुँचेंगे हरिद्वार। केदारनाथ जगता रहेगा, मुझे नींद नहीं आती गाड़ी में, पहली बात तो आज तक कभी नहीं आई। अभी टाइम हुआ नहीं है तेरा नहीं मेरे 12:30 में 12:30 बजे रोज सो जाता हूँ। मम्मा कह रही तू तो रोज इतने बजे सोता, अरे रोज इतने बजे सोता हूँ लेकिन पहुँच तब भी जग तो जाता हूँ, स्कूल जाना पड़ता 7:30 बजे से। ओहो क्या है, अरे और तो देखना अभी ट्रक सामने आ चुका है, देखो बिल्कुल सामने ट्रक है, इधर भी है ट्रक, इधर ट्रक खाली है। सब होती जा रही है सुबह धीरे धीरे, अभी तो अंधेरा है, धीरे धीरे सुबह होती जा रही है। आपके वीडियो में ज्यादा दिख रहा है लेकिन इतना तो गाइस अभी ना अपन मुझे पहन चुका है, और दूसरी बात अभी भी कोला ही कोला, मुझे कुछ दिख नहीं रहा लेकिन दिखला, ये देखो कोला ही कोला, कोला ही कोला, चाहे कैमरे में ना दिख रहा है लेकिन मैं तो बोल। फ्रेंड्स फाइनली हम लोग हरिद्वार पहुंच गए हैं, और अब जा रहे हैं गंगा घाट पे नहाने के लिए। अभी आपको दिखाते हैं कैसा है गंगा घाट, हमने भी नहीं देखा पहले, रास्ते में तो बहुत दिख रहा था, पूरे रास्ते गंगा का घाट दिख रहा था, बट अब देखते हैं कैसा है। तो अभी होटल में सामान वामान रख कर थोड़ा देर रुक कर फिर उसके बाद निकले हैं, तो अब चलते हैं जाके देखते हैं कैसा है, नहाते हैं, इतनी दूर से लोग आते हैं, ये देखो पागलपन पागल हो गया ही।
गले में नई नई बहू आई है, पल्लू करके ये है गाइस गंगा नदी का तट हमने ढूंढा है जहाँ पे कम भीड़ हो। वैसे तो बहुत सारे हैं, शाम को आरती होगी फिर देखेंगे, पर अभी देखा है ऐसी जगह जहाँ पे कम भीड़ हो, तो यहाँ पे कम भीड़ है, बहुत बड़ा है। जहाँ से जहाँ तक नजर जाएगी इसको, हाँ इसको पकड़ पकड़ के चलना है। लग जाएगी शोर पाइपों से। करो जल्दी करो, ये शौर्य किंजल नहा रहे हैं पूरी तरह से डुबकी लगा लगा के, शौर्य फुल एंजॉय, जबकि पानी बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। चलो आ जाओ, अरे स्वार फ्रेंड्स अभी किए थे हमने गंगा में स्नान और अब हो गए, उसके बाद तैयार सब लोग, अब जाएंगे चामुंडा देवी के दर्शन के लिए। वहाँ पे बहुत अच्छा सा रोप वे है, सब लोग बताते हैं बहुत मन अच्छा लगता है, चल के देखते हैं कैसा है। पर उससे पहले कुछ खाएंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद वहाँ पे जाएंगे। तो फिर चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है, देखा तो नहीं है, पहले आए थे बहुत छोटे में, अब आए हैं बहुत दिनों बाद, ऑलमोस्ट 17-18 साल बाद आई हूँ मैं, तो देखते हैं अब क्या क्या बदला है, क्या क्या नया हुआ है। और बच्चे तो पहली बार आए हैं तो सारा घूमना ही है, तो चलते हैं घूम के आते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आए हैं लंच करने के लिए, इनकी हालत देखो, हम पूजा कर रहे थे तो ये धूप में खड़ी थी कैसी हो रही है। और ये आ गई शौर्य की थाली, ये देखो देखो शौर्य की शॉपिंग, और देखो और कश्मीरी बाबूजी। अरे तू के सेल्समैन है क्या गधेड़े, अरे बिना डिजाइन की लेना, क्या कर रहा है ड्रामा। नहीं वो ब्लैक ले, ब्लैक फाइटर चलेगी, नहीं टोइटर, नहीं तू फिर वही बात। गाइस ये देखो अब हम आ गए हैं रोप वे पर, गाइस तो हम लोग आ गए हैं रोप वे पर। और डांटेंगे ऊपर ये कम है, वो इधर से देखा कौन कितना, इधर से पैदल पैदल जाते हैं, चलते चलते चिन्नू बैठ जा, बैठना फिर तभी तो देखिएगा, ऐसे ही बैठना, लेकिन इतना डर नहीं लग रहा है इसमें कुछ, ऐसे ही बैठना। फोटो ले कर गाइस देखो ये जंगल, वो सिटी, मैं दिखाता हूं वो गंगा, नहीं कितना ऊंचा है, अरे यार ज्यादा तो काफी है, ज्यादा ऊंचा नहीं है लेकिन ये तब तो ये नीचे पैदल जाने का रास्ता, पूरी तो भाई गंगा देख लेना। ओ भाई साहब कौन दिखा मैं इधर से, ये देखो फ्रेंड्स पूरा दिख रहा है गंगा, पूरा हरिद्वार दिख रहा है यहाँ से, दिख रहा है वो पत्थर पत्थर का एरिया, ये देखो वो पत्थर पत्थर पूरा हरिद्वार, वाओ। अरे अपन अभी भी ऊपर जा रहे हैं, अभी भी हम ऊपर जा ही रहे हैं, मंदिर इतना ऊपर है, डर नहीं लग रहा आज,
हाँ ये बॉडी फिल्टर हमारा सीधे रहो बेटा, वो आएगा ना मम्मी ये डंडा जब अपने वाइब्रेशन निकाल हो जाएगा। फाइनली आ गया हमारा स्टेशन। यार तभी हम लोग रोपवे से ऊपर आ गए थे, अब हम जाएंगे रोपवे से नीचे। और जो व्यू है वो तो माशाल्लाह, यहाँ से जो व्यू टॉप पूरा हरिद्वार दिख रहा है और वहाँ गंगा ही गंगा, गंगा ही गंगा। और ये रोपवे जिससे हम ऊपर आए थे, अब हम इससे नीचे जाएंगे। हम दोनों उल्टे बैठे हैं, उल्टे। ये छोटा सा पाथ है उसके ऊपर मैं और शौर्य बैठे हैं, बिल्कुल छुट्टू सा। देखो एक इत्तू सा है, इत्तू सा, इत्तू सा, इत्तू सा, इस पे मैं और शौर्य बैठे थे और इस पे मम्मा पापा बैठे थे। कितना अत्याचार है भाई, सो मच अत्याचार, अत्याचार किया जा रहा है। तो गाइस अब हम आ चुके हैं चामुंडा माता के मंदिर, इधर भी वो है रोपवे, तो अब हम इसमें भी जाएंगे। तो ये है इधर की रोपवे, जाएंगे अब ऊपर। तो गाइस हम बैठ चुके हैं और मैं दिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे पीछे सन है, बट इधर के नज़ारे और भी सुंदर हैं। ये देखो खाई है, ये तो पहाड़, हाँ नीचे खाई, खाई इधर भी, मतलब ये प्रॉपर रोपवे जैसा है। वहाँ नीचे रास्ता था ना, इधर रास्ता भी नहीं है। झरना कहाँ है? झरना अच्छा है, देखो ये भाई साहब ये बहुत ऊंचा है, ये प्रॉपर खाई पे बना है, चारों तरफ जो वो वाला, वो वाला नहीं था ऐसा, ये ज्यादा बढ़िया है। मम्मी मम्मी तेरी साइड मम्मी संग मम्मी बैठी है, मम्मी कैसे बचाने आई तुझे। और ये ऊंचा है, वो सही कह रहे थे। खाई के बीचा बीच में बना है, पीछे का व्यू देखो। ये देखो फ्रेंड्स, तो छूटा ना, चारों तरफ जंगल है, चारों तरफ, और मतलब मैं आसमानों की ऊंचाइयों में बादलों को छूते हुए नहीं छू पाई तू बादलों को। पीछे देखो गंगा नदी के अपार, बहुत ही गहरा। ये देखो लोगों तो मन्नतों की चुन्नियां बांधी हैं, पूरे में बंधी है। ये देखो मेरे बच्चे, सब ये हम लोग रोपवे में, और इसकी हाइट बहुत ज्यादा है। अरे बहुत ऊंचाई, हाँ मुझे तो डर लग रहा है, खासकर नीचे उतरते समय तो बहुत तेज डर लग रहा है। मुझे मजा आ रहा है और इससे पागलपन आ रहा है। देखो इसे डांट खानी होती है, मेरा हाथ बाहर लटका है। ये डांट खाने के लिए अंदर करो, बगल में से आ रही है ना, तो वो तो बहुत दूर है, नहीं कोई जरूरत नहीं है। पहाड़ों में पानी आता ही रहता है बर्फ का, नहीं ये कुछ और है। पहाड़ों में पानी कैसे आता है? ये रुके हैं एक जगह पे, अब चलो। फ्रेंड्स ये है इंडिया टेम्पल, भारत माता टेम्पल।
इसमें झांकी मूवमेंट कर रही है। इधर कन्हैया जी दूध पी रहे हैं। ये सुकनखा के नाक काट शौरिक और उदम नहीं कृष्ण प्रणाली मंदिर पूरा फ्रेंड्स अब गंगा आरती हो चुकी है। उस समय हम लोग आरती देख रहे थे। आप भी दर्शन कर लीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की सुबह हो चुकी है। ये बैठे हैं नमूने तैयार हो के और अब जा रहे हैं हरिद्वार से आगे ऋषिकेश मसूरी घूमने के लिए। तो आज का यहीं से ट्रिप चालू हो रहा है। और मैंने गलत बता दिया था कि अपन उत्तराखंड जा रहे हैं। हाँ उत्तराखंड ही है। ओ सॉरी, ये उत्तराखंड ही है बेटा जी। ओके, बिल्कुल ज्ञान नहीं है इतना ज्यादा। तुम नींद में सो के जग जाओ पहले। जब सो के जग जाओ जब बात करना, समझी क्या? गंगा में नहाने से मेरे बाल मोटे मोटे हो गए। गंगा में नहाने से इसके बाल मोटे हो गए, जे पतली हो गई। तो फ्रेंड्स अब भी आ गए हम लोग ऋषिकेश के बिल्कुल टॉप पर, जहाँ पर हो रही है पंजी जंपिंग, राफ्टिंग सब। पर उससे पहले हो रही है शौर्य की पेट पूजा। ये देख पहाड़ी मैगी। तुम तो पियोगे शौर किंजल दो चार। पहाड़ी मैगी एंजॉय करते हो। जंगल के पार देखो कौन अपने शहर आया यार। सही बन गया निंदा थोड़ी। घर आया यार बड़ी बड़ी आंखें और मुंह है छोटा सा, उसके आगे मुझे गाना नहीं आता। देखो ये पापा इधर आओ, क्या स्पीड में जा रहा है। इसको मार कर के चले। पापा पापा ये वाला पत्थर, ये वाला पत्थर सही है? हां सब पत्थर सही है, सब ले चलो बाहर। फ्रेंड्स अब भी आ गए पानी के बीचों बीच। ये देख मुझे सब कुछ मिलता जाएगा, टोपी वोपी सब सब मिलता जा रहा है। और हम बैठे हैं नदी के बीचों बीच। ये बैठी है किंजल शौर्य।
और एकदम साफ पानी। ये मजा आ रही है किंदलूदम गाइस, इतना मतलब धूप हो रही है फिर भी ये पानी ये सब इतना अच्छा लग रहा है ना। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कोई गंदगी नहीं और कोई भीड़ भी नहीं, तो अकेले आओ ना तो मस्त बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा है। एकदम शांति में आओ, क्या मौसम में आओ ना तो भीड़ रहती है, अभी नहीं है, अभी शांति है तो बहुत अच्छा है। पानी की आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी पीछे से, एकदम फ्लो में पानी की आवाज़ आ जा रही है। और इनका यहाँ का रास्ता बहुत ही कठिन है, एकदम बिगड़ा हुआ रास्ता है, एकदम बहुत सारे तो मोड़ है और उसके बाद भी बिल्कुल ऐसा रास्ता है, टर्न 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 टर्न। तो फ्रेंड्स ये हो रही है राफ्टिंग, अभी हम वहाँ ऊपर थे ऊपर और अब आ गए वहाँ से नीचे घूम। जिसका जितने लोगों का ग्रुप होगा वो लोग इस वाली में कितनी सारे चलो कर जा उतरने के लिए तो जंप मारूंगा। चलो तीनों किंजल के हिसाब से ले अपने काम में लग गए। वो बोले बेवकूफ बना रही है, ये तो लगी बेवकूफ बनाने में। अपनी ट्रैकिंग कंप्लीट करो तुम चलो। ये लग रहा है ना फुल फुल ट्रैकिंग की ड्रेस में है ये। अभी चश्मा नहीं लगाया था पर यहाँ पे बहुत सारे फॉरनर्स थे, देख के इसने भी लगा लिया, बोले मैं भी लगाऊंगा। तो गाय
गाइस खाना पीना हो गया कंप्लीट और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट जगह पर मसूरी। तो फाइनली गाइस ऐसा लग रहा है कि हम मसूरी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। इसे देखो कितना अच्छा है, कितना नीचे वेस्ट फेंकने का, गंदे लोग कितनी गंदगी कर रखे हैं। ये देखो चारों तरफ जंगल ही जंगल। तो गाइस ये है डूबता हुआ सूरज, मतलब कि सनसेट, बहुत सुंदर लग रहा है। ये आपको तो छोटा सा दिख रहा है लेकिन ये एक्चुअल में ना बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम रेड रेड सा पहाड़ों के बीच में। ये देखो अभी तो हमें बहुत ऊपर जाना है, ऑलमोस्ट 10-12 किलोमीटर और ऊपर जाना है, बट ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस हम पहुंच गए हैं मसूरी। जैसे देखो कितनी जैकेट वैकेट पहन गई, अभी तक कुछ नहीं था, बढ़िया। देखो 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 दो हुडी में घूम रहे हैं। चलो तो हमने ले लिया हमारा होटल रूम, तब वो दिखाते हैं कैसा है। तो ये है एंट्री, एंट्री होते ही कवर्ड और ड्रेसिंग एरिया और मैं फिर ये हमारा बेड, इधर काउच वाउच है, इधर विंडो है और विंडो पे देखना फॉग है इस विंडो में भाई साहब। हाँ पार्किंग है उधर और व्यू भी है, ठीक है। और फिर इधर एक छोटी सी टीवी और फिर ये वॉशरूम एरिया और फिर मैं, चलो चलो चलते हैं बाहर। अब थोड़ा बाहर मसूरी घूमेंगे, मॉल रोड वगैरह, बाकी एरिया तो सुबह घूमेंगे, दिखाएंगे आपको बालकनी वगैरह। हाँ गाइस तो इधर है ना हमारे होटल की बालकनी या पार्किंग कह सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली पार्किंग, बट ये कैमरा पीछे नहीं जा रहा। ये होटल की पार्किंग है तो तुमने पेज पे कर रखी है। तो ये चेक व्यू, चेक ये मसूरी, ये है ये सारी लाइटिंग है, सारा शहर है और ये बहुत सुंदर लग रहा है। कैमरे में नहीं पता चल रहा बट ये बहुत सुंदर है। ये कैमरा चेंज करा तो ये देखो द व्यू, ये देखो। अभी हम लोग जा रहे हैं मसूरी घूमने नाइट लाइट में, तो फिर देखेंगे आगे और क्या करते हैं। ये मसूरी का मार्केट मॉल रोड, यस मॉल रोड।
नाम सितारों की दुनिया। आज हम ऊपर हैं और तारे नीचे। तो गाइस ये है हमारा रात का डिनर इन जल शोर। तो ये आ गई शोरे की गर्मा गर्म चमेलियां। चमेलियां क्या होता है यार, चमेलियां हैं चीज की, चमेली। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की सुबह हो चुकी है और आज हैं हम लोग मसूरी में। तो रात को आ गए थे, रात को घूमा, नाइट इंजॉय किया क्योंकि आज नाइट में यहाँ से निकलेंगे भी। तो कल नाइट पूरी इंजॉय करी, सनसेट इंजॉय किया और अब हो गई है सुबह, लेकिन सनराइज़ नहीं हो पाया क्योंकि इतने थक चुके थे उस टाइम पे जगे ही नहीं। सोचा था जगेंगे, उठ के करेंगे, बट जगना इस पॉसिबल ही नहीं था, जगे तो लेट हो चुका था, सूरज देवता प्रकट हो चुके थे। तो आप लेकिन जग चुके हैं, सब लोग हो गए हैं रेडी, बस शोर ही रह गया है। थोड़ा सा उसको कोल्ड सा हो गया था, यहाँ पे ठंडक है ना इसके लिए, लेकिन अभी ठीक है, अब जग गया है, अब तैयार होगा। उसके बाद यहाँ से सारा मॉर्निंग में सारे यहाँ के घूमेंगे, क्या क्या जगहें हैं, क्या क्या घूमने की जगहें हैं, फिर आपको भी घुमाते हैं, चलते हैं। तो गाइस मैं भी हो गया हूँ रेडी, मेरा गला बैठ गया पता नहीं कैसे। खड़ा करो खड़ा करो, खड़ा हो जा, देखें अभी हो जाएगा। तो अब हम जा रहे हैं इस होटल से चेकआउट करेंगे और फिर अब हम घूमेंगे मसूरी। हाँ मसूरी घूमेंगे अब हम, तो उधर हैं कुछ दो तीन लोकेशंस, वहाँ जाएंगे, वहाँ घूमेंगे, फिर वहाँ से नेक्स्ट प्लेस। गाइस अब चेक करो मॉर्निंग व्यू हमारे होटल से। सो ये हमारा होटल है और ये मॉर्निंग व्यू। पता है इधर ना सारे क्लाउड्स दिखने, मतलब सारे क्लाउड्स कह रही हूँ, सारे पहाड़ नहीं दिख रहे, पीछे पीछे पहाड़ दिख रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है वेव्स आ रही हैं, मतलब वो बहुत सुंदर लग रहा है। और वो रहा मसूरी टाउन, वैसे हमें मसूरी टाउन में ही। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं जॉर्ज एवरेस्ट पॉइंट। इधर ना ट्रैक है, इधर ना ट्रैक है 1 किलोमीटर ऊपर का और फिर 1 किलोमीटर नीचे का। तो अभी हम थोड़ी एनर्जी गेन कर रहे हैं, तो थोड़ा कॉफ़ी, हाँ कॉफ़ी पियेंगे, पराठे खाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। सो गाइस अब आ चुके हैं हमारे पराठे, ये रहे पहाड़ी पराठे गर्मा गर्म। हाँ दो गर्मा गर्म पहाड़ी पराठे अभी खाते हैं, एनर्जी लेते हैं, फिर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये चल रहा है फोटोशूट, मैरिज प्री वेडिंग फोटोशूट। गाइस हम लोग आ चुके हैं मसूरी टॉप पॉइंट, टॉप एवरेस्ट पॉइंट जो यहाँ का है, बताया जाता है इसका नाम है जॉर्ज, सर जॉर्ज एवरेस्ट पॉइंट। और यहाँ पे देखो क्लाउड्स बिल्कुल ऐसे सामने दिख रहे हैं, सामने जैसे सामने क्लाउड, सारे माउंटेन्स हमसे नीचे, बस एक थोड़ा ऊपर है वो ये वाला है जिस पे, और यहाँ से ट्रैक करके ऊपर जाना पड़ेगा, बट हमारी हालत इधर ही ख़राब हो गई तो कहीं नहीं जाएंगे। ये देखो ये सारे माउंटेन्स, वहाँ बीच में नदी टाइप्स दिख रहा है, ये पूरा स्पेस, यहाँ म्यूज़ियम है और ये मैं हूँ इतने अच्छे व्यू के साथ। और फिर सामने यहाँ थोड़ा कैफेटेरिया वगैरह, हेलीपैड वगैरह है, वहाँ और माउंटेन्स और सामने और बहुत सारे माउंटेन्स और क्लाउड्स। फ्रेंड्स अभी हैं हम मसूरी के बिल्कुल टॉप पर जॉर्ज एवरेस्ट पर, अब बहुत ही सुंदर नज़ारा है और बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा है, थोड़ी धूप निकल रही है, फिर छाँव हो रही है, फिर बादल आ रहे हैं, मतलब अलग ही हो रहा है सब कुछ।
बहुत ऊंचाई पे है, पर चढ़ने में जान निकल गई। गाइस ये देखो, क्लाउड्स जस्ट हिट माय हेड। पीछे ये क्लाउड्स चल रहे हैं, सब दिख रहा है, और इतने सारे क्लाउड्स, इतना सुंदर, माइंड ब्लोइंग। और नीचे पहाड़ देख लो, थोड़ी सनलाइट आ जाती है, थोड़ी नहीं आती। ये देखो, तो देखो वो वहाँ पे सनलाइट है, यहाँ कहीं सनलाइट नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद ये क्लाउड हट जाएंगे। ये देखो ये क्लाउड्स मूव कर रहा है, अभी ये पहाड़ ढक गया ना, अभी थोड़ी देर बाद ये हट जाएगा। तो फिर तो ये फ्रेंड्स यहाँ का म्यूजियम एंड चर्च। जंगलों के बीच, दोनों तरफ जंगल ही जंगल, पहाड़ ही पहाड़। क्यों दौड़ना शुरू कर देता है घड़ी पहाड़। फ्रेंड्स अभी है हम लोग कंपनी गार्डन, ये भी यहाँ का एक स्पॉट है घूमने के लिए, बहुत अच्छी जगह है। चलिए देखते हैं, बहुत अच्छा गार्डन दिख रहा है। और ये खा रहा है पॉपकॉर्न डबल कैप लगा के, अपनी भी लगा लिए, दीदी की भी लगा लिए। चलो चलो, ऐसे लटके हुए हैं ये, ऊपर से नीचे की तरफ लटके हैं। ना एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छा गार्डन है, वही पहाड़ों के बीच में बनाया है, तो बहुत ही अच्छा गार्डन है, देखने लायक है। नए नए फ्लावर्स हैं जो हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं, ये सब हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। और ये बड़े बड़े पेड़, ठंडी ठंडी हवाएं, शांति, ये किंजल, ये शौर्य। तो ये है वाटरफॉल, सेल्फी पॉइंट है एक्चुअली। थोड़ा ऊंचा ऊपर चलाओ ना, थोड़ा, इतना बड़ा बोर्ड है, ऊपर चलाओगे तभी तो। यस, फट फट फटते जा रहे हैं, दोनों के फूट रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं फूट रहे दोनों। सो गाइस अभी मम्मी और शौर्य चले गए हैं बोटिंग के लिए, ये पानी में, और इस पानी में बहुत सारी फिशेस भी हैं। ये रहे गाइस मम्मा और शौर्य, ढुक गई दोनों की हाई करने के चक्कर में।
वापस आ गए हैं, मोड़ ली इनने गाड़ी, फिर जा रहे टक्कर करने। धम दिलाते हुए ये अभी ये फिर टक्कर करेंगे ये फिर भिड़े दोनों। चलो इस बार ज्यादा बड़ी टक्कर नहीं हुई, छोटी टक्कर में ही दोनों फ्री हो गए। अब ये दोनों आ गए इधर, ये बहुत देर के बाद यहाँ आते हुए, क्योंकि ये दोनों वहीं अटक गए थे, वहीं गोल 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 पागल हो गए थे। तो देखो वहां से पता नहीं किसको चढ़ा रही है, यार धूप हो रही है, यहाँ छाव हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये फिर टक्कर, ये ड्राइवर ही बेकार है, दोनों बार बार टक्कर कर देते हैं, बेकार ड्राइवर है। मैं झूल रहा हूँ, झूला छोटे बच्चों की तरह। गार्डन में ना सारा इंतजाम है, बच्चों के अकॉर्डिंग, सभी के अकॉर्डिंग। फूड कोर्ट भी अच्छा है, शौर्य खा रहा है सुगर शेर, गुड़िया के बाल, गुड़िया के बाल। गाइस अपन पहुंच चुके हैं दिल्ली, पापा पीछे चुप रहे हैं, देखो अपन पहुंच चुके हैं दिल्ली और अभी लाइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे ही व्लॉग चल के लाइटिंग गायब हुई है, तो जैसे ही आएगी वैसे ही आपको दिखाता हूँ अभी। तो भाई से देखो लाल किला, रेड किला, दिस इज द रेड किला, रेड लाल किला। ये पोस्टर पे मैं ध्यान देना, लेकिन लाल किला पे जरूर ध्यान देना। मैं थोड़ा सा झुकाव है मुझे, लेकिन आप लाल किला जरूर देखिए। पापा वो कौन सा महल होता है, हवा, जो हवा महल होता है ना उसका नाम, वो दिल्ली में, तो जयपुर में ही, मैं सोचा दिल्ली में। तो आप भी हैं फ्रेंड्स, हम बंगला साहिब पर, गुरुद्वारा ये देखो, ये बहुत बड़ा है, हमारे ग्वालियर के गुरुद्वारे से तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है।
हमने कुछ लिया है ओम फोम, तो हमने कुछ लिया है इसको, मेरे को भी नहीं पता क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस, चॉकलेट, चॉकलेट हाँ चॉकलेट स्टिक, या स्टिक चॉकलेट, इसको ऐसे खोलना है और देख के स्क्रैम ना हो जाए स्कैम। अंदर क्या है, चॉकलेट है इसमें बहुत सारी, इधर क्या है ये, इसको खोलो, इसको इसको खोलिए, वो गायब हो गया थोड़ा सा, सॉरी चलती हुई गाड़ी पे कैमरा चल रहा है, स्लिप थोड़ी सी, टेंशन हो गई, अब खोलिए दीदी, खोल तो उसको खोलने के बाद मिलते हैं। तो गाइस हमने खोल चुका है दोनों चीज़ें, अब खा के टेस्ट करो दीदी जी, ज़्यादा जोर से बोलेंगे हमारे पापा डांटेंगे, दीदी खाओ हमको भी खिलाओ, ओके वाइट ब्लैक खिलाओ ब्लैक, आ कैमरामैन के मुंह में जा चुका है और चॉकलेट।